हेलो रुमन, क्या हालचाल? तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इंटरव्यू में आप लोग सबसे पहले तो ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि आपके पास कॉन्फिडेंस का कमी है, ठीक है ना? इसका बस एक ही जवाब है कि आप लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टेड नहीं है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है पूरा का पूरा धराशायी हो चुका है, ख़त्म है। आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस एक्चुअली है ही नहीं, ठीक है? अब ऐसा क्यों नहीं है? जब आप लोग अपने आप को सही तरीके से बयान नहीं कर पाएंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस किस बात का? आप लोग तो नर्वस हो जाएंगे। अगर आप लोग झूठ का सहारा लेंगे तो आप लोग नर्वस हो जाएंगे। अगर आप लोग कुछ भी चीज़ दिखावा करने के लिए वहाँ पर जवाब देंगे, किसी झूठा हॉबी को अपना वहाँ पर आप लोग बता के आ जाएंगे तो आप लोग नर्वस रहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या पता किस तरह का सवाल पूछ लिया जाए और आप लोग उसका जवाब देने में सक्षम नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस का कमी तभी ना होगा भाई। लेकिन जब आप लोग सब कुछ सच बोलेंगे, सब कुछ ऑनेस्टली वहाँ पर जवाब देंगे, तो फिर आपके पास कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो आपका बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। आप लोगों को पहले ही पता चल चुका होगा कि हाँ भाई, आपका सिलेक्शन तो तय है, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों के लिए इंटरव्यू में नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो देखिए हर कोई प्राप्त कर लेता है, जो बैंकिंग वगैरह का स्टैटिक नॉलेज हो गया, थोड़ा बेसिक्स नॉलेज हो गया, वो तो बहुत सारे टीचर या PDF प्लेटफॉर्म है जहाँ पर से लोग पढ़ के चले जाते हैं, खासकर बैंकिंग के स्टूडेंट। लेकिन कॉन्फिडेंस हर किसी के पास नहीं होता है। कॉन्फिडेंस उसी के पास होगा जो खुद को वहाँ पर रख के आ जाएगा, जो सच्चाई के साथ सारे सवाल का जवाब देगा, कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ उसी के पास होगा। और सिलेक्शन किसका होता है? नॉलेज वालों का नहीं, कॉन्फिडेंस वालों का। क्योंकि आपके सामने जो भी सीनियर है ना, उन्हें अच्छे से पता है कि कौन सा बंदा जो है वो कॉन्फिडेंट है, कौन सा बंदा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट है, ठीक है? तो आप लोग सिंपल सा क्या करें कि खुद को जानने की कोशिश करें। इंटरव्यूअर के सामने आप लोग जो भी पूछा जाए उसे सच बताने की कोशिश करें। चाहे वो सच, अगर आप लोगों को लगे कि उस सच से आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाएगा, आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, तो ये सब एक्चुअली आप लोग ना सोचें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सब सोचने का बात नहीं होता है। सच्चाई आप लोगों को जीत दिला देगा, ठीक है? आप लोग एक बार भरोसा कर सकते हैं मुझ पर, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। तो आप लोग हमेशा कॉन्फिडेंट रहने का बस एक ही तरीका है कि आप लोगों को सच का साथ देना चाहिए। सच्चाई के साथ अपना जो भी सवाल का जवाब होता है उसे देना चाहिए, ठीक है? कभी भी झूठ का अगर आप लोग सहारा लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो रहेगा। थैंक यू।